हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भूमिका कुमारी 999। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूजी से बनने वाला बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी, वो भी बहुत कम तेल के अंदर, स्पाइसी नाश्ता। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, वो भी बहुत कम समय के अंदर। तो इधर देख लीजिए, मैं ले रही हूँ ये इडली है। हम सब अपने घर में इडली बनाते ही हैं और वो बच भी जाती हैं, तो उसे हम क्या करते हैं ना, हम आज आपको बताएंगे बहुत ही स्पाइसी आपको नाश्ता बना के बताएंगे, वो भी बहुत कम समय में। तो इधर मैं इडली ले रही हूँ और मैं इस तरीके से इन्हें पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहो तो उस शेप में आप इन्हें कट कर सकते हैं, जिस शेप में आपको पसंद है। तो मैं इधर देख लीजिए इस तरीके से कट कर रही हूँ इन्हें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो रेड कलर का आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो इधर देख लीजिए इडली को हमने काट लिया है। तो इधर गैस पे रख दी कढ़ाई, उसमें मैंने डाला है 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाता है तब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है मस्टर्ड सीड्स 1 टीस्पून। जब ये सरसों के दाने, राई के दाने अच्छे से चटक जाएं, तब उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर। एक हमने बड़ा प्याज लिया है, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है, इसे भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी और इसे मैं अच्छे से भून लूंगी। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। और इसके अंदर साथ में ही मैंने एक हरी मिर्च ली है, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और इस तरीके से मैंने इस कढ़ाई के अंदर डाल के इसे फ्राई कर ले रही हूँ मैं इसको भी अच्छी तरीके से, और इसे अच्छे से भूनने देना है। और इधर देख लीजिए, ये प्याज था जो अच्छी तरीके से भून चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो इधर ये मैं छोटी सी चम्मच हल्दी पाउडर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ये देखिए ज़रा सा हल्दी पाउडर है। इसे मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि हल्दी की स्मेल ना आए, इसमें कच्चा फ्लेवर ना रहे हल्दी का, इसलिए मैंने इसको प्याज के साथ ही हल्दी को भून लिया है। हल्दी जब अच्छे से भून जाए तब इसके बाद ऐड कर देंगे हम इसके अंदर टमाटर। इधर मैंने एक टमाटर लिया है, इसे मैंने बारीक पीसेस में कट कर लिया है और इसे भी हम सोटी होने तक भूनते रहेंगे। और साथ में इसके अंदर ऐड कर देंगे हम नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, क्योंकि नमक हमें थोड़ा सा ही ऐड करना है, क्योंकि इडली के अंदर भी नमक है, तो इसलिए आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ही नमक यूज़ कीजिएगा। तो इधर मैं ले रही हूँ ये जो अपने सब्ज़ी मिलाई है इसके अकॉर्डिंग लिया है मैंने इधर नमक। तो इधर मैंने 1.5 चम्मच नमक लिया, ये देखिए मेरी मसाले वाली चम्मच है, मैंने बस इसी से मेजरमेंट किया है। तो आप टेस्ट अकॉर्डिंग नमक यूज कीजिएगा। साथ में स्पाइसी मिर्च ऐड कर दी है, लाल मिर्च पाउडर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं टमाटर अपने काफ़ी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने इडली के पीसेस में काट के रखा था इडली को, इसको भी हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। और आप इडली भी देख सकते हैं बहुत ही फूली बनी हुई है, स्पंजी है। इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी आपको लेके आऊँगी। और एक इडली सांभर की रेसिपी है, आप उधर भी चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको, तो आप उधर से चेक कर सकते हैं। तो देख लीजिए ये सभी इडली को हम इसी तरीके से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सूजी से बन जाता है, बहुत ही जल्दी बनता है, आप कभी भी इसे बना सकते हैं, बच्चों के लंच टिफ़िन में पैक करते हैं दे सकते हैं, और नहीं तो आप कभी भी टी टाइम में इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इधर हमारी इडली थी वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। तब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा कलर लाने के लिए चिली फ्लेक्स, इधर ऐड कर रही हूँ, और इसे भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय में बन जाता है ये नाश्ता। तब इसके अंदर ऐड कर देंगे, अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर ऐड करूँगी मैं हरा कटा हुआ धनिया पत्ता, इसको भी मैं अच्छे से ऐड कर देती हूँ। ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे इसे। तो देखिए मैंने इधर इसे मिक्स कर दे रही हूँ। तो देखिए इधर हमारा
सूजी का स्पाइसी नाश्ता बनके तैयार है। बहुत कम समय में बन जाता है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी इसे टाइम नहीं लगा बनाने में। आप इसे चाय के साथ खाइए या फिर सॉस के साथ खाइएगा, आपका मन हो उसके साथ आप इसे सर्व कीजिएगा। बच्चों को तो ये बेहद पसंद आता है, तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत कम तेल में बना है, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। तो और फ्रेंड, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।